Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying admission of a partner. The question is P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. R is admitted for 1/4 share in the profits which he took 75% from P and the balance remaining from Q. Calculate the sacrificing ratio of P and Q. तो आप पहले तो ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू रेशियो निकालोगे तब जाके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा, आपको लिख के करना पड़ेगा। नहीं तो 75% तो पी से ले लिया, 100% से 75% अगर पी से ले लिया, क्यू से बैलेंस 25% लेगा तो 3:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। बट आपको इसको एग्जीबिट करना पड़ेगा, लिख के दिखाना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो पी क्यू का 5:3 है, पी से न्यू शेयर तो 5/8 से 1/4 का 75%, इसका मतलब है 75/100 को 25 में डिवाइड कर लो 3/4, जो कि आएगा 7/16 ले लिया पी से, क्यू से ले लिया 75% एंड 25%, 1/4 का 25%, 25/100, तो 25 में डिवाइड करके 1/4 करो, 75% मतलब 3/4, 25% मतलब 1/4। तो आर का जो न्यू शेयर होगा, आर का जो न्यू शेयर होगा वो दैट इज 1/4। तो 1/4 तो इसका डिनोमिनेटर अगर 16 नहीं बनाएंगे तो रेशियो नहीं बनेगा। इक्वल करो तीनों पार्टनर के डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 4/4 मल्टीप्लाई करो। फ्रैक्शन का वैल्यू सेम रहेगा 1/4, 4/16, बट कोई चेंज नहीं होगा फ्रैक्शन वैल्यू में। तो अभी न्यू रेशियो निकालो पी क्यू आर का, दैट इज 7:5:4। तो न्यू रेशियो ये है, ओल्ड रेशियो ये है, सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो ऐसा न्यू रेशियो। पी सैक्रिफाइस 5/8 ओल्ड माइनस 7/16 3/16, क्यू सैक्रिफाइस 3/8 माइनस 5/16, तो 1/16। तो P का है 3/16, Q का है 1/16। ये दोनों रेशियो को अगर कंपेयर करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा दोनों शेयर को। तो देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर P इज टू Q इज इक्वल टू 3:1, डिनोमिनेटर इक्वल है तो 3:1, एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।